दोस्तों, ये टाटा एस का रियर व्हील है, टाटा एस गोल्ड है और उसका रियर व्हील में प्रॉब्लम आ रहा है। इसके लिए रिवर्स लेते टाइम रियर व्हील का राइट साइड का टायर लॉक हो जा रहा है, फ्रंट में चढ़ रहा है। इसके लिए हम इसको खोल के चेक करेंगे और आपको बताएंगे। BS4 मॉडल है टाटा एस का, और उसको सबसे पहले हम व्हील के नट खोलेंगे और चेक करेंगे। जो व्हील के नट तो लूज़ हो चुके हैं, जाक लगाएंगे और टायर ऊपर कर लेंगे। इसके लिए हमको व्हील निकाल के उसका ड्रम खोलना होगा। और वैसे भी जब रियर व्हील में प्रॉब्लम आता है रिवर्स लेते टाइम लॉक होने का, उसके कारण उसमें जो व्हील के लाइनर होते वो डैमेज हो जाते हैं पूरे, और वो लॉक होना चालू हो जाते हैं। या किन किन कारणों कारण आता है, जिसमें पानी पानी में जाने के कारण भी आता है, चलो व्हील के नट तो खुल गए, निकालते हैं व्हील और देखते हैं, चेक करके उसको हुआ क्या है। और ड्रम निकालने के लिए इसको हैंड ब्रेक का केबल होता है, तो उसके लिए हमको ड्रम अलग ही निकालना होता है। तो मारेंगे हम उसको स्प्रे सबसे पहले, इसी कारण इसका जो जंग है वो निकल जाएगा। और उसको लूज़ करने के बाद फिर उसको चेक कर लेंगे घुमाकर। देखिए अभी भी ये रिवर्स में लॉक हो रहा है, वैसे गाड़ी गियर में भी है। तो सबसे पहले उसको छुड़ाते हैं पंच करके हथौड़े से, और जो पंच करेंगे आप तो ही कार्बन उसका निकलेगा और जो स्प्रे करा हुआ है वो अंदर तक पहुंच जाएगा। अब करते हैं उसको पुलर और करते हैं ड्रम बाहर। देखिए इसमें दो बोल्ट होते हैं पुलर करने के लिए, और वो दो बोल्ट को टाइट करके इस तरह से प्रेस करके रियर व्हील ड्रम निकल जाएगा। काफ़ी टाइट लग रहे हैं बोल्ट, वरना नॉर्मल में तो इससे कम टाइम में ड्रम बाहर आ जाता है। देखिए ड्रम तो छूट चुका है, जगह छोड़ दिया है ड्रम ने, पर वो लाइनर के अंदर पकड़ा हुआ है, तो इसलिए लाइनर के साथ ही हिल रहा है वो। उसको स्क्रूड्राइवर से और थोड़े से मार के ही बाहर करना होगा हमें। देखिए गैप तो हो चुका है, ड्रम तो आ जाना चाहिए था बाहर। देखिए ड्रम नहीं हट रहा, करते पंच। फिर भी नहीं छोड़ेगा तो फिर ब्रेक सेटिंग लूज़ करना होगी, जिसके लिए एयर निकालना होगा पीछे से, तो वो छोड़ देगा। देखिए भी हम टाइट करेंगे और फिर लगाएंगे इस ड्राइवर और प्रेस करेंगे बाहर लाइनर को अंदर करते हुए, तो भी निकल जाएगा। उसके कारण बारिश के कारण टाटा एस के रियर व्हील जो होते हैं वो इस तरह से जाम होते हैं। देखिए छोड़ रहा है हल्का सा, पर लाइनर के साथ होने के कारण उसको हम ज़्यादा फोर्स से नहीं मार सकते, वरना ड्रम डैमेज हो जाएगा। देखिए ये छोड़ दिया उसने हल्का ही कर, इसको और से ताकत लगाने के बाद फिर भी आखिर तक भी टाइट ही निकला। तो देखते हैं इसमें क्या है, ड्रम तो अच्छा है, ड्रम में कॉलर भी नहीं, गाला भी नहीं, ड्रम फ्रेश है और लाइनर ही थोड़े फूले हुए लग रहे हैं हल्के से। देखिए पानी की वजह से लाइनर खुल चुके, और उसको हम घस लेंगे थोड़ा हल्का सा और करेंगे थोड़ी ब्रेक सेटिंग कम। टाटा एस के रियर व्हील ब्रेक सेटिंग
कैसी होती है कम देखिए, कुछ दिखाएंगे वो भी। और सबसे पहले घस लेते दोनों लाइनर को, इसके ऊपर जो कार्बन बैठा है पानी का उसको हम घस के कम कर दी। तो ये टाटा इसके रियर व्हील के ब्रेक सेटिंग हम कम कर रहे हैं, जिसके कारण व्हील रिवर्स में लॉक हो रही थी। देखिए सेटिंग काफ़ी बारीक होती है और उसमें जंग भी लगा हुआ है बारिश का, आपको नज़र नहीं आएंगी, फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी कम जगह है और रात का समय है, तो इसके लिए इतना कुछ खास नज़र नहीं आएगा, फिर भी आप देख सकते हैं। देखिए सेटिंग तो कम हो रही है, क्लॉकवाइज आटे होते हैं इसके। तो हमने अभी सेटिंग कम करे और ड्रम बिठाकर चेक कर लेंगे एक बार, कहीं लॉक तो नहीं होगा, इससे कोई परेशानी तो नहीं है, तो देखते घुमाकर। देखिए तो घूम रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अब बढ़िया सा होगा एकदम। और टाटा इसका रियर व्हील का प्रॉब्लम जो था ब्रेक लॉक होने का, व्हील लॉक होने का रियर व्हील, तो वो सॉल्व हो चुका है। और अब हम बिठाएंगे टायर और चेक करेंगे टायर बिठाने के बाद ब्रेक मार कर। देखिए अब टायर तो लगभग मिल चुका है और हम इसको घुमाकर देख लेंगे एक बार। देखिए ब्रेक भी आ रही है और लॉक भी नहीं हो रहा है, वो हम हल्का ब्रेक कर रहे हैं। और सैयद ऑटो गैरेज पे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।